राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड टनल हादसे में बचाए गए कर्मियों से बात की। इस अवसर पर सभी कर्मियों ने प्रधानमंत्री से बात की और अपने अपने अनुभव साझा किए। कर्मचारियों ने इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अधिकारी बीके सिंह और कर्मचारी गब्बर सिंह नेगी के नेतृत्व क्षमता की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री इस अवसर पर निर्माण कर्मियों से बात करते हुए काफी उत्सुक भी दिखे और इतनी जल्दी बातचीत करने का कारण भी बतलाया। क्या हुआ इस अवसर पर आप स्वयं देखें। सबसे पहले तो मैं सभी आपके आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक, ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद में जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कॉन्टेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे सर। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ाए रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, एसडीआरएफ एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले।
नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक प्रतिवाद सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल पश्चिम बंगाल की जनता का 2 करोड़ वोट देने के लिए धन्यवाद किया, बल्कि कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में दूसरी बार बर्खास्त किए जाने का जिक्र भी किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। क्या कहा गृह मंत्री ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। मित्रों, ये जो मैदान है ये ऐतिहासिक मैदान, इसी मैदान में सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और यहीं पर महान गोपाल मुखर्जी ने इसका सामना करने का कॉल दिया। यही मैदान है जिसने पश्चिम बंगाल को भारत के साथ जोड़कर रखने का काम किया है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैदान बहुत भाग्यशाली मैदान। मैं इसी दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में यहाँ पर आया था 2014 में, और यहाँ से बंगाल की जनता को तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहाँ पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया। भाई और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, माँ माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूँ आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मैं आज आह्वान करने आया हूँ, अगर 26 में यहाँ भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, अध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूँ, एक बार पूरे देश का विकास देखिए। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, पीने का पानी दिया, मुफ्त में अनाज दिया, साथ में शौचालय के साथ साथ 5,00,000 तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं दी और पूरे देश को कोरोना का दोनों टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था, वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। बंगाल को आगे ले जाने का काम, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम केवल और केवल
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाकर जाता हूं कि बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता, बंगाल का विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO द्वारा आयोजित गुणवत्ता कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुधों की गुणवत्ता के संबंध में होने वाले आयोजनों की कमी को रेखांकित किया और इस कार्यक्रम के लिए DRDO को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र का हर एक उपकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर हमारे सैनिकों के पास कम गुणवत्ता के आयुध होंगे तो यह न केवल सैनिकों के लिए बल्कि देश के लिए भी धक्का साबित होता है। अगर देश के आयुधों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अपने लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाएगा। जिन देशों के पास अच्छी गुणवत्ता के आयुध होते हैं उन्हें खरीदने के लिए आयातक देश की अच्छी से अच्छी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। मुझे इस कॉन्क्लेव में आकर बेहद प्रसन्नता है। वैसे मैं समझता हूँ DRDO को ही क्यों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी कॉन्क्लेव हो तो उसमें जाने पर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होगी ही होगी। और हमारे लिए बेहद हर्ष का विषय है कि हम सब डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। और जैसी मुझे जानकारी दी गई इसके पहले भी आप लोगों ने इस संबंध में चर्चा की है। साथियों, वैसे तो हम सब नियमित रूप से मिलते रहते हैं लेकिन हमारे आपस में मिलने का पर्पज हर बार यह अलग अलग हुआ करता है। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि स्पेसिफिकली डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी के ऊपर आयोजन बहुत कम हुआ करते हैं। इस आयोजन के लिए मैं इसलिए विशेष रूप से आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो इस कार्यक्रम में ऐसे अनेक पॉइंट्स होंगे जिस पर आप सभी आपस में चर्चा करेंगे लेकिन मुझे जब आपने यहां पर आमंत्रित किया है तो मैं आपसे किसी भी प्रोडक्ट या सिस्टम की क्वालिटी के सही मायने क्या हैं तथा डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एवं सिस्टम्स में क्वालिटी क्यों जरूरी है जैसे मुद्दों पर अपनी तरफ से कुछ विचार रखना चाहूंगा। डिफेंस सेक्टर में इस क्वालिटी की बात करते हैं तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। यहां एक एक इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उदाहरण के लिए जब मैं भारतीय वायुसेना की एयरफोर्स की बात करूं तो उसमें एक पायलट को सेकंड के कुछ हिस्से में निर्णय लेने पड़ते हैं। वहां उसकी सोच के अनुसार चलने वाली उसकी मशीन होनी चाहिए। यदि वहां पर क्वालिटी लो होती है तो उस पायलट की सुरक्षा तो खतरे में पड़ेगी ही, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी को भी धक्का लगेगा। यदि हमारी सेना के जवानों के पास उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट की लो क्वालिटी होगी तो भी जान माल के नुकसान होने का डर है। यदि हमारा राडार लो क्वालिटी का है और वह आने वाले एनिमी प्लेन्स या मिसाइल्स को ट्रेस करके उन्हें एलिमिनेट नहीं करवा पा रहा है तो उसके क्या नेगेटिव परिणाम होंगे उसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस पर मैं समझता हूं कि अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करना चाहते हैं। आप दुनिया के तमाम उन देशों पर नजर डालिए जिनका डिफेंस एक्सपोर्ट में एक अच्छा रिकॉर्ड है। यदि वह अपने डिफेंस इक्विपमेंट को पूरी दुनिया में बेच पा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हालांकि उस अच्छी क्वालिटी की वजह से उनके इक्विपमेंट की कीमतें भी बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन साथियों, हमें यह भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट के लिए इंपोर्टर कंट्रीज बड़ी से बड़ी कीमतें तक देने को तैयार होती हैं। इसलिए यदि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को भी अच्छा करना होगा। इसलिए हम एक अच्छे विचार के साथ, एक उत्कृष्ट विचार के साथ इस मुहिम से जुड़े। हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को वर्ल्ड क्लास का बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि DRDO का यह कार्यक्रम सफल होगा और इस दिशा में रक्षा मंत्रालय की ओर से तथा भारत सरकार की ओर से जिस भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा आप रखते हैं मैं आपको आश्वस्त करता हूं वह पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। अंत में इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैब एग्रीगेटर स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के अंतर्गत 2030 तक परिवहन क्षेत्र में पैसेंजर परिवहन, डिलीवरी परिवहन और ई कॉमर्स परिवहन वाहनों को इलेक्ट्रिक करने के कदम उठाने होंगे। यह स्कीम उन व्यवसायियों पर लागू नहीं होगी जिनके पास 25 से कम वाहन है। स्कीम लागू होने के 90 दिन के अंदर सभी संबंधित व्यवसायियों को लाइसेंस लेना होगा और जल्द से जल्द वाहनों को विद्युत चलित बनाने पर कार्य करना होगा। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कैब एग्रीगेटर स्कीम काफ़ी समय से चर्चा में है और तो ये आज नोटिफाई कर दी जाएगी और देश में पहली बार किसी स्टेट में किसी सरकार ने इतना बड़ा कदम जो है वो लिया है पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए कि किस प्रकार से पोल्यूशन को और हम कैसे कम करें। 2030 के बाद जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में हैं, चाहे डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में हैं और चाहे ई कॉमर्स में हैं, तो 2030 के बाद ये जितने भी प्लेटफॉर्म पे व्हीकल्स होंगे वो केवल इलेक्ट्रिक होंगे। तो इससे काफ़ी हमें पोल्यूशन में राहत मिलेगी। दिल्ली में बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए गए जिससे कि पोल्यूशन में राहत मिली दिल्ली वासियों को। तो जब हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो उसको और हम कैसे बेहतर कर सकें, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस का इतने बड़े स्केल में इंडक्शन हुआ है और अब ये कैब एग्रीगेटर स्कीम जो नोटिफाई हो जाएगी आज उसके बारे में है। तो मुख्य रूप से अगर हम स्कीम की एप्लीकेबल किस पे होगा तो मैं उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि जो ये स्कीम है, अब ये स्कीम का नाम अगर देंगे तो दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम है। तो मेनली ये पूरी जो स्कीम है ये तीन कैटेगरीज पे इम्प्लीमेंट होगी। नंबर वन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ओला उबर है। नंबर टू डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी ये डिलीवरी वाले हैं, चाहे स्विगी है चाहे जोमेटो है। एंड नंबर थ्री जो ई कॉमर्स है, जो अपना बिजनेस जो है वो वेब बेस पोर्टल से कर रहे हैं, ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट है, इस तरह के बिग बास्केट है। तो ये तीन मेन कैटेगरीज पे होगा। बसेस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। उस अब नंबर ऑफ व्हीकल्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। अगर किसी भी एग्रीगेटर के पास 25 से कम व्हीकल हैं तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एनी एंटिटी हैविंग मोर देन 25 व्हीकल्स, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे थ्री व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, उस पर ही एप्लीकेबल होगा। और कोई भी एंटिटी अगर डिजिटल रूप से अगर जो काम करें, जो मैंने समझाया आपको, इन तीन कैटेगरीज में अगर वो काम करें तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। जिस दिन ये स्कीम नोटिफाई होगी उसके 90 डेज के अंदर उनको, चाहे वो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है चाहे नया ऑपरेटर है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो लाइसेंस मिलेगा वो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल की होगी। एक नॉमिनल सी एनुअल फी है वो होगा। अगेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में पुश किया है, उसको और फर्दर पुश करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी फी नहीं है। ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई एग्रीगेटर के पास केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो पर व्हीकल जो फी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी फी नहीं है। जो ऑपरेटर होगा उसको अपना पूरा एक कमांड सेंटर बनाना पड़ेगा एनसीआर के अंदर, और अगर एनसीआर में
उसका ऑफिस नहीं है, तो जहाँ से भी ऑपरेट कर रहा है उसको अपने कमांड सेंटर का एक्सेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना होगा। अब अगर हम टारगेट्स की बात करें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दिल्ली इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री जिसने कि इतना बड़े और एग्रेसिव टारगेट्स जो है सेट किए हैं, कीपिंग इन माइंड कि दिल्ली में पोल्यूशन को और हम कैसे कम करें। दिल्ली सरकार द्वारा निगम के कामों को दिल्ली सरकार को सौंपने के प्रस्तावों की आलोचना करते हुए दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व महापौर राजा इकबाल सिंह, प्रदेश महासचिव कमलजीत सहरावत और शिखा राय ने एक स्वर में तथा कथित रूप से डीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर 1200 किलोमीटर का ठेका प्राइवेट एजेंसी को देने का विरोध किया। नेताओं ने इस अवसर पर हाउस टैक्स के नियमों में किए गए नए बदलावों की भी आलोचना की। जो काम एमसीडी के डीएमसी एक्ट के दायरे में आते हैं, जो मैंडेटरी काम एमसीडी के हैं, वो भी निगम से छीन करके दिल्ली सरकार को दे दो, ऐसा बार बार प्रपोजल दिल्ली सरकार की तरफ से आती है। बजाय इसके कि जो काम निगम के अपने हैं और जिनके लिए जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी एमसीडी की, तो लगातार हम यही मांग करते थे कि निगम का पैसा निगम को दो ताकि निगम अपने कामों को सुचारू रूप से चला सके, वो तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन इस समय भी, जबकि दिल्ली में भी और निगम में सरकार एक ही पार्टी की है और निगम को मजबूत करने के लिए उनको निगम को पैसा देना चाहिए कि निगम अपने काम सुचारू रूप से चला सके, लेकिन इसके विपरीत एजेंडों के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि लगातार एक प्रहार निगम पर हो रहा है। आपको ध्यान होगा, इससे पूर्व भी वो दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर, जो निगम की जिम्मेदारी है जितनी भी डीएमसी एक्ट के अंदर बनती है, और आप ये भी जानते हैं कि 2012 में ट्राइफिकेशन के समय में पीडब्ल्यूडी की रोड्स की मेंटेनेंस दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उसके बहुत सारे काम जिसमें सफाई विशेषता है, इंक्रोचमेंट है, वो सब निगम के काम होते हैं जो डीएमसी एक्ट के अंदर ही मैंडेटरी है, जो करने ही निगम को है। लेकिन बार बार, पिछली बार भी एजेंडा लेकर के आया गया अप्रैल मई के महीने में, तब भी वो एजेंडा निरस्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो फिर से एक बार उसका प्रारूप चेंज करके इस तरह से पेश किया गया है कि कोशिश उसमें यही है कि निगम को कमजोर करो और सारी जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स की काम है वो दिल्ली सरकार को दो। जो रोड्स की बात मेरे से पहले शिखा राय जी बता रहे थे, ये तीसरी बार एजेंडा आया है। पहली बार हाउस ने इसको फेल करके भेजा क्योंकि इसमें प्योरली डीएमसी एक्ट का वायलेशन था। जब हाउस ने उसको रिजेक्ट किया, रेफर बैक किया, फिर ये लाइट के रूप में आया, अब ये दोबारा लेके आ रहे हैं। एक ही प्रोविजन को ये बार बार उसकी शक्ल बदलकर ये लोग लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हमें ये पता चला है कि ये प्राइवेट एजेंसी को ये पूरा ठेका देना चाह रहे हैं 1200 किलोमीटर का, जिसकी लगभग कॉस्टिंग 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए की होगी। आप एक एजेंसी को 20,000 करोड़ रुपया देने को तैयार है, अगर यही पैसा अगर आप निगम को दे दें तो सड़कें भी ठीक हो जाएंगी, पार्क भी ठीक हो जाएगा, जबकि ओनरशिप उसकी निगम के पास है। आपके माध्यम से मैं केजरीवाल सरकार को दोबारा से मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि आप डीएमसी एक्ट का वायलेशन मत कीजिए। आज एजेंडा नंबर 6 हाउस में आ रहा है, ऑलरेडी हम इसको रिजेक्ट कर चुके। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम और जनता की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। याद होगा चुनाव से पहले के वो वादे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने किए थे। उन्होंने कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो उनका सबसे बड़ा वादा था कि हम दिल्ली से हाउस टैक्स को खत्म करेंगे। अब इस हाउस टैक्स, इसमें अनेक शर्तों को शामिल कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की। एजेंडा नंबर 7 में आज टैक्सेस को लेकर एक एजेंडा लगा हुआ है। वो एजेंडा अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना एक लेमैन आरडब्ल्यूए के एंगल से। हमारे टाइम में हम लोगों ने प्रोविजन किया हुआ था कि जो भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है और इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर एमसीडी सिर्फ और सिर्फ कूड़ा उठाने का काम करती है, इसके अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करती। इस बात को समझते हुए हमारे टाइम पर तो हमने फैसला लिया था कि हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स को टैक्स में 20% की रिबेट होगी, और साथ में आपको जो 15% की रिबेट के बारे में पता ही है कि अगर आप टाइम से पहले पे करेंगे तो 15% की रिबेट वो दिल्ली के हर वासी को अवेलेबल थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी आई तो उस समय पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की 20% रिबेट को कम कर दिया गया, और जो टाइम से पेमेंट करने की 15% की
रिबेट थी उसको घटाकर 10% कर दिया। अब ये प्रपोजल लेकर आए हैं कि अगर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज वेस्ट सेग्रीगेशन 100% करती हैं, वेट वेस्ट का मैनेजमेंट 100% सोसाइटी के अंदर करती हैं, ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करके अलग देते हैं और वेट वेस्ट को विद इन सोसाइटी अगर वो प्रोसेस करती हैं तो उनको रिबेट 10% की जगह अब इंसेंटिव के रूप में 10% दिया जाएगा। और अगर सेग्रीगेशन होने के बाद अगर उनको इंसेंटिव भी मिलता है तो उसमें भी 90% लोगों का टैक्स पेमेंट होना जरूरी है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इन्होंने दिल्ली की सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को खड़ा कर दिया, यानी टैक्स के नाम पर इनको आप कहिए कि रिबेट पूरी खत्म कर दी। इस तरह से इन्होंने जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अपनी केरल यात्रा के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने केरल के थिरुवल्ली में पेन एंड पेलिएटिव केयर सोसाइटी की इमारत का शिलान्यास किया। जनता से इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वायनाड उनका दूसरा घर है और इस कार्यक्रम में आकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है। केरल एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकता की साफ झलक मिलती है और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सहयोग केरल का महत्वपूर्ण योगदान है। डियर फ्रेंड्स, brothers and sisters, members of the Congress Party of the UDF, friends from the press, I'd like to welcome all of you here. I am honored to come here for the inauguration ceremony of this new palliative care center. This is going to help many, many patients deal with cancer and live a comfortable life. I think it's very important that everybody, regardless of who they are given dignity, respect, love and affection. And it pleases me to see the level of community participation in Kerala when it comes to healthcare and education. And of course, Kerala is a pioneer in palliative care in the whole country and leads the way as far as healthcare is concerned and palliative care is concerned. So I hope this center will be a small step in taking forward the community healthcare vision of the state. And here, the Pain and Palliative Care Association started in 2016 and has doctors, nurses, drivers and cooks. I'm happy that my colleague Anil Kumarji has donated a vehicle. And I'd also like to thank the youngsters who raised money for the other vehicle and also the local family that has given us the third vehicle. I'm always ready to help in any way possible. Of course, the funds we get are limited, so we have to distribute them carefully. But I am very honored and proud to have helped you with this building. And of course, today in the speech I gave just before this, I said that I now feel that Wayanad is like my second home and I feel like I'm coming back to my family here. So I'm quite happy because I don't think many people get the opportunity to enjoy their work as if they are, you know, going back home and working with their family. And of course, as a member of parliament, you meet many, many people, many tragedies, you know, are seen by you. You see a lot of pain of your constituents. You see happiness also, but you see suffering also. And I think one of the worst feelings that anybody can have is when a relative of theirs or a friend of theirs has cancer. But you also get to see the best character of people when they have a relative or a friend who has cancer. You can see love, affection, bravery, all these emotions. But it is our duty to help our people, especially when they are struggling with diseases like cancer. You know, at the end, I see Wayanad and Kerala as one big extended family. And there is that spirit in Kerala also. I can see the spirit of togetherness, spirit of unity in Kerala is very deep. It's your history also, your culture also. Respect of different religions, different communities, different ideas.
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।